जब जुगारी पुढ़ारी बनता है तो किस तरह जनता को लूटता है, कैसा उसका जुगाड़ का दिमाग जनता को लूटने में इस्तेमाल करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कैसे जब पढ़ा लिखा ईमानदार अच्छे लोग अगर नेता बनेंगे तो वो अपनी अच्छी सोच समाज के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना, समाज का अच्छा भला करेंगे। तो अभी जुगारी कैसे करते हैं, देखो अभी जैसे 10 आंकड़े होते हैं ना 0 से लेकर 9 तक, तो अब उसमें कैसे है कि जुगाड़, कई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक आंकड़ा खुलेगा, 9 आंकड़े जो है तो नहीं खुलेंगे। तो अब ये जुगारी जब नेता बना, चांदूर की मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको, अपने गाँव की रियल स्टोरी। तो ये जुगारी कैसे अपना दिमाग लगाते हैं, तो अब घरकुल की यादें जो है तो ग्राम सभा, है ना, मासिक सभा में पास हो जाती है, फिर वो ऊपर जाती है, ऊपर से यादी जो नीचे से भेजे वो भी सैंक्शन होकर वापस आती है। तो अब जुगारी मास्टरमाइंड ने क्या करा, उसको तो मालूम है यादी कि भैया 100 लोग का घरकुल आने वाला है, तो एक एक आदमी के घर गया अपने बराबर कान के नीचे का देख कर, बोले तुम्हारा घरकुल आया नहीं, बेचारा तरस, कई सालों से वो इंतज़ार में बैठा है, गरीब है, झोपड़े में रह रहा, बारिश के पानी में उसके घर में टपक रही है। वो बोलते हैं हाँ, तो बोले मैं आपका घरकुल ला कर देता हूँ। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसने क्या करा, समझो 100 लोगों से कमिटमेंट कर लिया, मैं तुम्हारा घरकुल ला के दे रहा, लाने के बाद 10,000 रुपये देना, है ना। देखो कितना ईमानदार, के एडवांस नहीं होना बोलता, घरकुल आने के बाद 10,000 रुपये देना। तो अब आप सोचो कि जो जादी है वो तो घरकुल आनी वाली है, तो इस तरह इसको 10-10 फिर जाके खड़ा हो गया, भाई चलो निकालो 10,000 रुपये, मैंने बोला था ना मैंने लेकर आया घरकुल, है ना, अब तक के तुम्हारा कभी आया क्या, इतने दूसरे पुढ़ारी आए, किसने ला कर दिया, क्या मैं जुगारी पुढ़ारी, है ना, मैंने ला कर दिया। तो अब जैसे दूसरी कोई मिसाल आप देख लो, जैसे बीर आती है या फिर बकरी पालन, मेंढी पालन, ऐसे कुछ भी जो स्कीम आती है सरकार की, निधि आती है, तो अब समझ लो 5 लोगों को बाउडी का निधि मिलने वाली है, वीर की या कोई भी चीज़ की आप समझ लो। अब भरने वाले फॉर्म कितने, 50 लोग। तो अब ये क्या करेंगे, चलो 50, अब देखो कैसे 50 से कमिटमेंट ले लिया कि भाई तुम्हारा मैं वीर का तुम्हारी चला कर देता, मैं आने के बाद में मेरा समझो 50,000 रुपये 40,000 रुपये कुछ ये जुगारी पुढ़ारी ने तय कर लिया। अब आएंगे किसके, सिर्फ 5 लोगों की जाएंगे, कमिटमेंट करा इसने 50 से, नहीं आए तो बोले पैसे मत देना। अब वो 5 के आगे जाके खड़ा हो गया, चलो भाई निकालो पैसे। तो कैसे जुगारी, कैसे अपनी टेक्निक, जुगाड़ की टेक्निक जनता को लूटने में, उनकी मुंडी मरोड़ में इस्तेमाल करते, ये मैं आपको बताना चाहता था। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना, कुछ भी जैसे स्कीम आ रही है, कहीं कुछ अगर बात है कि भाई जनता को सरकार की निधि कुछ मिलने वाली है, आप समझो 10 लोगों को मिलने वाली है, फॉर्म लाइन में तो 100 लोग खड़े हुए, 100 से कमिटमेंट ले लिया, जैसे आंकड़ा है ना 0 से लेकर 1, 2, 3 ऐसे 9, मतलब टोटल 10 आंकड़े रहते, उसमें से एक आंकड़ा खुलेगा, ये बराबर वो जुगाड़ का माइंड जनता को लूटने में लगाते हैं।